अमरीका च डोनल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चोण जितने तो बाद दुनिया के कई देश अमरीका दियां बदलदियां नीतियां नूं लैके डरे हुए ने। राष्ट्रपति चोण मुहिम दौरान डोनल्ड ट्रंप ने कई अजिहे ऐलान किए जिन्हां दा असर कई देशों ते पै सकदा है। अजिहे च डोनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चोण जितने तो बाद अमरीका का गुआंढी देश कनेडा भी हाई अलर्ट ते है अते संबंधी पूरी निगरानी भी रखी जा रही है ते कनेडा ने अपने बॉर्डर ते निगरानी भी वधा दित्ती है। कनेडियन अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि वह हाई अलर्ट ते ने ते अमरीका नाल लगदी सरहद ते सख्त निगरानी रख रहे ने क्योंकि अमरीकी चोण प्रचार दौरान डोनल्ड ट्रंप ने वादा किया सी कि वह अमरीका के इतिहास का सब तो बड़ा देश निकाले प्रोग्राम शुरू करेंगे। उन्होंने अमरीका विच रह रहे प्रवासियों उत्ते देश दे खून विच जहर घोलन का दोष लगाया सी। इस कारण करके कनेडा अमरीका तो प्रवास की वड्डी आमद की संभावना नाल नजिठण लई हाई अलर्ट ते है। कनेडा की रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस के बुलारे सर्जेंट चार्ल्स ने AFP नूं दस्या है असी हाई अलर्ट ते हाँ, असी अपनियां अखां सरहद ते ये वेखण लई रख रहे हैं कि की होण जा रहा है क्योंकि डोनल्ड ट्रंप के देश निकाले के प्रोग्राम नाल कनेडा विच गैर कानूनी अते अनियमित प्रवास की गिणती विच वाधा हो सकता है। अमरीका च गैर कानूनी प्रवासियों नूं लैके डोनल्ड ट्रंप का रुख हमेशा सख्त रहा है। ट्रंप अमरीका दियां कई समस्यावां का सब तो बड़ा कारण गैर कानूनी प्रवासियों नूं मानदे ने अते इस कारण उन्होंने सारे गैर कानूनी प्रवासियों नूं अमरीका तो बाहर कढ़न का फैसला किया। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल दौरान डोनल्ड ट्रंप ने इमीग्रेशन नियमों नूं बदल दिता सी। इत्थों तक कि मैक्सीको अते अमरीका की सरहद ते एक वड्डी कंध भी बनवाई गई सी तां जो गैर कानूनी प्रवास नूं अमरीका च दाखल होण तों रोकिया जा सके। इस बार भी राष्ट्रपति चोणां च प्रचार दौरान पेंसिलवेनिया च एक रैली च डोनल्ड ट्रंप ने इतिहास का सब तो वड्डा प्रवासी विरोधी प्रोग्राम चलाउण दी गल कही सी ता जो अमरीका विच गैर कानूनी प्रवेश नूं रोकिया जा सके अते लखां गैर कानूनी प्रवासियों नूं भी डिपोर्ट किया जा सके। कनेडा लई समस्या यह है कि अमरीका अते कनेडा दियां सरहदां बहुत वड्डे खेतर नूं कवर करदियां ने। अजिहे च पूरी सरहद ते नज़र रखनी अते गैर कानूनी तरीके नाल सरहद पार करन वाले प्रवासियों नूं गिरफ्तार करना कनेडा सरकार लई काफ़ी मुश्किल का काम होने वाला है। कनेडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फिनलैंड ने भी शुक्रवार को इस मुद्दे पर मंत्रियों नाल मीटिंग की है। मंत्रियों के इस समूह को अमरीका च ट्रंप प्रशासन नाल तालमेल करन अते दोहां देशों विचाले वख-वख मुद्दों पर सहमति बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सरहद पार तो प्रवासियों की आमद पर कनेडा के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनेडा स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।